मैं भगवान लाल बारिक बीबीएलआई क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। वेलकम टू यू इन द बीबीएलआई क्लास। स्टूडेंट्स, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ वैदिक मैथ में सूत्र निखिलम। सूत्र निखिलम से बहुत इजी वे में हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। आज मैं मल्टीप्लाई ले रहा हूँ निखिल मेथड से। इन निखिल मेथड बेस एंड सब बेस दोनों के आधार पर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। साथ ही मैं बहुत लैंग्वेज का यूज कर रहा हूँ जिससे कि बहुत मीडियम के स्टूडेंट अच्छे से निखिल मेथड को समझ सकें। फॉर एग्जाम्पल, 11, 12, यहाँ मैंने सिंपल नंबर 11 और 12 लिया है जिसे कि आप मल्टीप्लाई को समझ सकते। इसमें कंडीशन है, कंडीशन यह है कि जिन नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है उनका बेस और सब बेस सेम होना चाहिए। 11 10 into 1 plus 1 12 है 10 into 1 plus 3। यहाँ बेस 10 और सब बेस 1 है जबकि डेविएशन प्लस 1 और प्लस 2 है जो कि हमें यहाँ लिखने की है। इंडिकेट करने को बेस 10 सब बेस 1 डेविएशन प्लस 1 एंड प्लस 2। नंबर और इसके ऑपोजिट साइड में हम जो इससे रिलेटिव डेविएशन है उसको शो करते हैं जैसे प्लस 1 12 है डेविएशन प्लस 2। अब अकॉर्डिंग टू निखिल मेथड है नंबर 11 प्लस डेविएशन 2 ऑब्लिक प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन 1 into 2 एंड लेफ्ट साइड ऑफ ऑब्लिक मल्टीप्लाई बाय सब बेस 1। तो देखिए यहाँ हमने नंबर और उसे रिलेटेड डेविएशन लिखा, अदर नंबर उसका डेविएशन लिखा। इसमें जो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, इसका जो फॉर्मूला है उसमें नंबर लेते हैं और जो अदर नंबर उसका डेविएशन उसमें प्लस करते हैं, ऑब्लिक का साइन लगाते हैं और राइट साइड ऑफ ऑब्लिक जो डेविएशन है उनका प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई में लिखते हैं। तो यहाँ 11 plus 2 30 1 into 30 ऑब्लिक 12 का 2 13 1 का 30 ऑब्लिक 2 ऑब्लिक का यहाँ साइन हटा देते हैं 132। यहां यहां जो इसका फॉर्मूला है वो क्या बनता है, सब बेस इन ब्रैकेट नंबर
प्लस डेविएशन ऑब्लिक प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन। इसी तरह हम वॉट देन टू थ्री तक में लेते हुए भी निकिला मेथड से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पर कंडीशन अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमें यह जरूर याद ध्यान देना होता है कि जो नंबर हम ले रहे हैं मल्टीप्लाई में उनका बेस और सब बेस, बेस और सब बेस सिमिलर हो। अदर एग्जांपल लेते हैं हम, इलेवन इंटू ट्वेल्व इंटू थर्टी, यहाँ मैंने थ्री नंबर लिए और ये जो नंबर है इनमें बेस एंड सब बेस कॉमन है। जैसे इलेवन टेन इंटू वन प्लस वन, ट्वेल्व टेन इंटू टू प्लस टू, थर्टीन टेन ट्वेल्व टेन इंटू वन टेन इंटू वन प्लस थ्री। जैसा कि आप देख पा रहे हो बेस सब बेस सिमिलर है, टेन बेस है एंड वन सब बेस है, डेविएशन अलग अलग है प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री, ये डेविएशन है। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इलेवन लिखा और ऑपोजिट साइड में इसका डेविएशन प्लस वन, ट्वेल्व लिखा ऑपोजिट साइड में इसका डेविएशन प्लस टू, थर्टीन लिखा इसके ऑपोजिट साइड में इसका डेविएशन प्लस थ्री। यहां हमें विशेष ये ध्यान देना है कि नंबर वन टाइम लेनी है, ये थ्री नंबर में से एनी वन नंबर, बट उसका डेविएशन नहीं लेना है, अदर नंबर का डेविएशन लेना है। जैसे अगर हम 11 लेते हैं यहां पर नंबर है, तो हमें अदर नंबर की डेविएशन इसमें लिखना है, जैसे प्लस टू और प्लस थ्री, प्लस वन को नहीं लेना है। ऐसे अगर आप वन लेते हो तो प्लस टू को छोड़ना है, वन और थ्री लेना है, थर्टीन लेते हो तो प्लस थ्री को छोड़ना है और वन और टू को लेना है। सबसे पहले सब बेस इसका फॉर्मूला साथ साथ अगर आप देखें सब बेस का स्क्वायर नंबर प्लस, अब जैसे नंबर आपने इलेवन ली तो डेविएशन अगर टू नंबर के डेविएशन है, डेविएशन रिमेनिंग नंबर, जैसे ये नंबर ले ली इसके अलावा रिमेनिंग नंबर उसका डेविएशन, डेविएशन और रिमेनिंग नंबर ब्रैकेट क्लॉज ऑब्लिक आगे लिखना है, मैं इसके नीचे लिख देता हूं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। सब बेस इन ब्रैकेट, यहां जो डेविएशन है प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री, इनको वन बाय वन करके सभी को ईच अदर से मल्टीप्लाई करते हुए ऐड करना है। तो यहां जैसे यहां इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड नंबर माने, तो फर्स्ट इंटू सेकंड प्लस सेकंड इंटू
हार्ट प्लस फास्ट इनटू हार्ट मैट्रिक क्लॉज। तो आपने देखा कि जैसे नाम डेविएशन वन को टू से मल्टीप्लाई किया और टू को थ्री से यहां मल्टीप्लाई हम लिख सकते हैं और वन को थर्ड से, जैसे ये वन है ये टू है थर्ड, तो वन टू टू थ्री और वन थ्री ऑब्लिक प्रोडक्ट ऑफ ऑल डेविएशन, यहाँ थ्री डेविएशन है इनका प्रोडक्ट हमें थर्ड कॉलम में लिखना है। इसके आगे यहां लिख लो प्रोडक्ट और डेविएशन, प्रोडक्ट ऑफ ऑल डेविएशन। हमने यहां जो फॉर्मूला लिखा है उसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो हमारे पास सब बेस यहां वन है, वन का स्क्वायर नंबर जैसे 11 ले लिया हमने, 11 प्लस डिवीजन ऑफ रिमेनिंग नंबर, तो यहाँ वन के अलावा रिमेनिंग नंबर 12 और 13 है, तो 12 और 13 है इनके डिवीजन 2 और 3 है, तो प्लस 2 प्लस 3 क्योंकि फॉर ऑब्लिक नेक्स्ट सब बेस 1 इन ब्रेकिंग फर्स्ट और सेकंड डिवीजन 1 इनटू 2 प्लस सेकंड थर्ड 2 इनटू 3 प्लस फर्स्ट एंड थर्ड 1 इनटू 3 ब्रेकिंग क्लॉज ऑब्लिक और थर्ड कॉलम में प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिवीजन 1 2 3 इन सब का मल्टीप्लाई 1 इनटू 2 इनटू 3 यहां देख सकते हो 1 इनटू 2 इनटू 3। देखिए 11 2 और 3 प्लस किया 2 और 3 5 5 प्लस 16 1 का स्क्वायर 1 यहां ही आ गया 16 ऑब्लिक मल्टीप्लाई पहले करना है, ये 1 है यहां 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आएगा 2 प्लस 3 2 6 प्लस 3 1 3 ऑब्लिक 2 3 6 ये 16 यहाँ आया 6 और 3 9 और 2 11 ऑब्लिक 6 ये बेफाइन। अब हमें साथ में ये ध्यान देना है कि सेकेंड और थर्ड कॉलम में ओनली वन डिजिट ले सकते हैं हम, क्यों? बिकॉज इन बेस ओनली 1 0 बेस में केवल 1 0 है, सेकेंड और थर्ड कॉलम में हम यहाँ लिख देते हैं फर्स्ट कॉलम है, ये सेकेंड कॉलम है और ये थर्ड कॉलम है, ये 6 आ गया यहाँ पर, यहाँ से वो ले लिया और ये रिमेनिंग जो डिजिट है वो नेक्स्ट कॉलम में ऐड हो जाते हैं। तो ये आपने देखा कि 11 12 एंड 13 का जो मल्टीप्लाई बाय निकुलर मेथड से हम यह आसानी से प्राप्त किया, इजी तरीके से हम इसको समझ सकते हैं 1760 हमें प्राप्त हो। इसके लिए हमें जो कंडीशन उनका ध्यान रखना है, बेस सेम होना चाहिए, सब बेस सेम होना चाहिए और हमें ये जो फॉर्मूला है इसका उसको फॉलो करना है और इस तरीके से हम आसानी से निकुलर मेथड से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो आगे की क्लास में इससे भी इंटरेस्टिंग टॉपिक इन वैदिक वेद से लेके मैं आपके लिए पास आ रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।